हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य करता है ये पांच काम, उनका नरक जाना होता है बिल्कुल तय। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इसे महापुराण कहा जाता है। अन्य पुराणों के विपरीत इस पाठ को सामान्य दिनों में पढ़ना या सुनना अनुचित माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का पाठ केवल तभी किया जाता है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसे अनुष्ठान के हिस्से के रूप में 13 दिनों तक पढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मा को आसक्ति से मुक्ति मिलती है, जिससे वह अपने निर्धारित क्षेत्र में जा पाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का गंतव्य चाहे वह स्वर्ग जाए या नरक, उसके जीवन काल में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अपने कर्मों के आधार पर आत्मा या तो स्वर्ग के सुखों का अनुभव करती है या नरक की यातनाओं का। गरुड़ पुराण में 5 ऐसे कर्मों पर प्रकाश डाला गया है जो किसी व्यक्ति को नरक में ले जा सकते हैं और गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आइए इन 5 कर्मों के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहला है मित्रों के साथ विश्वासघात। जी हाँ दोस्तों, किसी मित्र को धोखा देना, विश्वासघात करना या झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जो गरुड़ के अनुसार नरक की ओर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करता है, उसका पुनर्जन्म एक गिद्ध के रूप में होता है जो अपने अगले जन्म में सड़ी हुई लाशों को खाता है। दोस्तों, सेकंड है अनैतिक वासना। अनैतिक यौन इच्छाओं और रिश्तों में लिप्त होना या पुण्य तिथि, व्रत, श्राद्ध, पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाने वाले लोगों को नरक में जगह मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को रोरव नामक भयानक नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, थर्ड नंबर पर है अधर्म। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं या अनैतिक तरीकों से इन धन इकट्ठा करते हैं, उन्हें गरुड़ पुराण द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उनके जीवन काल में उनका धन समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद वे विभिन्न दंडों को सहते हैं और अंधतामिस्त्र नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। फोर्थ नंबर पर है परिवार के साथ दुर्व्यवहार। जो लोग अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी कड़ी निंदा की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति गर्भ में ही मृत्यु का सामना कर सकते हैं और उन्हें अनिश्चित काल के लिए पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलता है। फिफ्थ नंबर पर है दोस्तों भगवान की उपेक्षा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान को भूल जाते हैं और केवल अपने सुखों और भौतिक भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जरूरतमंदों, संतों या दान देने के अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें नरक में अनगिनत प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो यह वह 5 कर्म थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।